सुबह भाई, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं रोहित करो बढ़िया एंड मस्त होंगे। आज भी भाई आपका सीवी एडिटिंग फोटो ट्यूटोरियल लेके आ चुका है, वो भी एकदम कम से कम सिर्फ 5 मिनट में। अगर वीडियो में 5 मिनट बनेगा ना तो आज भाई एकदम सही सुने आप लोग मेरे भाई आप लोग, क्योंकि आज मैं एकदम सिर्फ 5 मिनट बताने वाला हूँ कि इस तरह से फोटो एडिट कैसे कर सकते हो, वो भी एकदम रियल और ये भी एकदम आसान तरीके से, एकदम क्या ही बताएं, एकदम बवाल एंड एकदम आसान तरीके से। तो चलिए फटाफट से, यहाँ थोड़ा भी टाइम आपको वेस्ट नहीं करेंगे, और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि रोज़ मैं ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये रहा मेरा फोटो। तो सबसे पहले अपने फोटो को शेयर करना है लाइट रूम में, चलिए शेयर कर लेते हैं। तो है ना गाइज, मैं अपना फ़ोटो को शेयर कर लिया लाइट रूम में, आप लोग भी शेयर कर लीजिए ठीक है। और यहाँ मैं प्रीसेट दूंगा, प्रीसेट का आपको यूज करना है, तभी आपको कम से कम समय में फ़ोटो बनेगा। मैं प्रीसेट बना के रख दिया हूँ, अपने से खुद से मेहनत करके पहले से प्रीसेट बना के रख दिया हूँ, आपको भी बिना मेहनत के प्रीसेट मिल जाएगा। आप लोग मैं लास्ट में बताऊँगा प्रीसेट कहाँ से डाउनलोड करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं, मैं बैक आके यहाँ से अपना प्रीसेट दिखा दे रहा हूँ, तो देख सकते हैं ये रहा मेरा प्रीसेट आप लोग के सामने। और सेम अपना मैं रियल बैकग्राउंड अगर हर एक चीज़ सीवी बना के दिखाऊंगा आपके सामने, तो यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके एंड कॉपी सेटिंग कर लेना है रोज की तरह। और कॉपी सेटिंग करने के बाद फिर बैक आ जाना है, एंड बैक आने के बाद फिर वही अपने फ़ोटो ले लेना है, और फिर से यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके आप पेस्ट कर देना है। सिर्फ एक क्लिक में आपका फ़ोटो हो गया ना तैयार बनके। एंड फिर यहाँ से शेयर कर लेना अपने फ़ोटो को स्केच बुक में, चलिए शेयर कर लेते हैं। तो भाई देख सकते हैं मेरा फोटो शेयर हो चुका है स्केच बुक में। यहाँ पे मैं ब्रश बताऊंगा आप लोगों को कौन सा ब्रश यूज करेंगे, तो फटाफट से होने वाला आपका काम। एंड यहाँ से आप लोगों को ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करके और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको इधर एक समूह में नॉर्मल ब्रश जो रोज़ हम यूज करते हैं आपको दिखा दिए, इसको यूज कर लेना है। एंड सेटिंग पर क्लिक कर लेना है, और सेटिंग पर कुछ इस प्रकार से 9 रख लेना है, 9 फॉलो को 9 एंड स्ट्रेंथ को 12 या 13 रख लेना है, एंड डन कर लेना है। और अपने फ़ोटो को जूम करके हल्के हाथों से चलाना है ना अपने स्किन पे, क्या ही एकदम जिस हिसाब से आपका स्किन होगा उस हिसाब से अपने उंगली को चलाइएगा, गोल गोल घुमाएगा, और आपके सामने आपका भाई स्मूथ कर रहा है, थोड़ा भी फंसाने वाला काम नहीं करता हूँ। अब सिर्फ 5 मिनट में आप लोग को फ़ोटो एडिट करना मैं सिखाऊंगा, मेरा ये ट्रिक फॉलो करेंगे आप लोगों, तो 5 मिनट में एडिट करना आप सीख जाएंगे सीवी भी एकदम बवाल तरीके से। तो देख सकते हैं आपका भाई एकदम रियल तरीके से बता रहा है, एंड हर एक चीज़ एक स्टेप आप लोग को इतना सरल में बताता हूँ, इतना आसान बताता हूँ कि अगर स्टेप मेरा थोड़ा भी ध्यान से देख के आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप भी 5 मिनट फोटो एडिट करना सीख जाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्मूथ कर लेते हैं ठीक है गाइस। भाई देख सकते हैं मैं अपने फ़ोटो को स्मूथ कर लिया हूँ एकदम काफ़ी अच्छे से, आप लोग भी टाइम देके अच्छे से स्मूथ कर लीजिएगा ठीक है गाइस। और यहाँ चुका है, आप भी थोड़ा बहुत टाइम देके 1-2 मिनट टाइम देके स्मूथ कर लीजिएगा। स्मूथ करने के बाद ना यहाँ से आपको शेयर कर लेना है फ़ोटो रूम में। मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपको 5 मिनट बताना है। यहाँ फ़ोटो रूम में शेयर करने के बाद कुछ इस तरह से स्कैन करेगा, एंड स्कैन करने के बाद आगे का प्रोसेस आप लोग को बताते हैं हम। थोड़ा बहुत लोडिंग लेगा, नेट फास्ट रहेगा तो आपका काम फटाफट हो जाएगा। तो आपको यहाँ ऊपर ही आपको दिख जाएगा ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन, यहाँ से ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करके एंड यहाँ से शेयर कर लेना है फ़ोटो को गैलरी में। आपका इसमें बैकग्राउंड कट के अलग हो जाएगा, और आगे का प्रोसेस बताते हैं। एंड ये रहा बैकग्राउंड में खुद का अपना रियल, उससे वहाँ से रिमूव फ़ोटो को रिमूव करके अपना सीवी बैकग्राउंड बनाया हूँ, इसका मैं लिंक दे दूँगा, और लास्ट में बताऊंगा कि आपको इस कहाँ से बैकग्राउंड डाउनलोड करना है। तो इस बैकग्राउंड को आप लोग भी ले लीजिएगा, एंड यहाँ से शेयर कर लेना बैकग्राउंड को इस पिक्सार्ट चार्ट में। शेयर करने के बाद यहाँ से रिसाइज कर लेंगे, टूल्स का ऑप्शन क्लिक कर रिसाइज कर लेंगे, यहाँ 5000 ऐड करेंगे तो नीचे कुछ दिखाएगा आपको कितना, यहाँ 42 दिखा रहा है, 42 ऐड कर लेंगे एंड आपका फ़ोटो बन के भी तैयार हो जाएगा। यहाँ 29 हो गया, यहाँ 28 कर लेना है, यहाँ से रिसाइज भी हो गया आपका फ़ोटो। एंड जो भी आपने फ़ोटो रूम से बैकग्राउंड कट किया उस फ़ोटो को ऐड कर लेना है इसमें, यहाँ से उस फ़ोटो को ऐड कर ले रहे हैं। और यहाँ से ऐड करने के बाद कुछ इस प्रकार से सेट कर लीजिए, जैसे आपका फ़ोटो पहले रहेगा उस प्रकार से सेट कर लीजिएगा। एंड सेट करने के बाद यहाँ से स्टिकर पर क्लिक करके आपको सर्च मारना है रेड लाइट, ऐसे रेड लाइट सर्च मार लेना है, और आपको ये वाला दिखेगा PNG ऐड कर लेना है। एंड ऐड करने के बाद इसको ब्लेंड कर लेना है, स्क्रीन मोड पे कर लेना है। स्क्रीन मोड करने के बाद कुछ हैंड पे इस प्रकार से हम रखे थे, और यहाँ लेयर के आइकन क्लिक करके मूव डाउन कर लिए थे ठीक है गाइस। मूव डाउन करने के बाद आपको फिर से एक रेड लाइट ऐड कर लेना है, एंड इसको भी स्क्रीन मोड पे कर लेना है। स्क्रीन मोड क्लिक करने के बाद ऊपर साइड रख लेना है, और आपको एक टेस्ट PNG दे देंगे उसको भी ऐड कर लीजिए आप लोग। तो चलिए फटाफट से ऐड कर लेते हैं।
तो गाइस देख सकते हैं मैं अपना PNG ऐड कर लिया हूँ, इसका भी लिंक दे दूंगा, इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा एंड इसको भी स्क्रीन मोड पे कर लीजिएगा। स्क्रीन मोड पे करने के बाद ऊपर की साइड ऐसे कुछ सेट कर लीजिएगा, ठीक है, और सेट करने के बाद यहाँ से भी इसको डन कर लीजिएगा। तो आपको साइड साइड से जो भी रेखा आएगा ना, तो रेखा क्लिक इरेज का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से साइज को हल्का फुल्का कम कर लेना, बढ़ा लेना है, हार्डनेस को आधा से भी कम रख लेना है और साइड साइड को इसको जहाँ जहाँ आपको रेखा दिखाई देगा वहाँ वहाँ चला लेना है ब्रश को, ठीक है गाइस। तो वहाँ से रेखा भी हट जाएगा एंड यहाँ से इतना होने के बाद यहाँ से अपने फोटो को डन कर लेना है। नहीं, और एक और PNG ऐड करना है, तो यहाँ रेड लाइट सर्च किया है ना, इसमें आपको एक रेड शैडो दिखेगा, यहाँ पे दिखा दे रहा है, यहाँ से रेड शैडो ऐड कर लीजिएगा और नीचे के साइड इस प्रकार से रख लीजिएगा और इसको यहाँ इतना इस तरह से रखने के बाद एडजस्ट पर क्लिक कर लेना है और एडजस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ह्यू पर क्लिक कर लेना है, ह्यू पर यहाँ पर ब्लू कलर कर लेना है, ठीक है गाइस। और ब्लू कलर करने के बाद यहाँ से डन कर लेना है और सेव कर लेना है। सेव करने के बाद एक चीज़ और रह गया है, कपड़े का कलर करना। तो कपड़े कलर करने के लिए आपको क्या करना है ना, यहाँ से आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाना है और इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ कलर को सिलेक्ट करना है। कलर में आने के बाद आपको इधर आगे करने के बाद एक कलराइज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो कलराइज पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से जो भी कलर आपको चाहिए वो वाला कलर ले लीजिएगा। मुझे ब्लू चाहिए तो ब्लू वाला कलर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ऊपर इरेज वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इन्वर्ट करने के बाद केवल अपने कपड़े पर चला लेंगे अच्छे से। चलिए फटाफट से इसको मैं अपने कपड़े पर कलर कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग भी कपड़ा अपना कलर कर लीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं काफ़ी एकदम ईजी मैं बता रहा हूँ, एकदम ईजी है, थोड़ा बहुत आपको ध्यान से बस देखना है और काफ़ी ईजी है, एकदम सरल है। आप लोग थोड़ा बस ध्यान दीजिए, ठीक है। आपका भाई जो भी बताता है एकदम रियल बताता है, इधर उधर फंसाने वाला काम नहीं करता है। तो आपके सामने एडिट करके मैं दिखा दिया भाई, कपड़े में भी कलर चमक लिया दिया, तो देख सकते हैं हमारा कपड़ा भी कलर हो गया है। तो फाइनली मेरा फ़ोटो बन के भी तैयार हो चुका है और जो भी अभी फ़ोटो अभी यहाँ पे देख सकते हैं 9 मिनट, तो यहाँ से देख सकते हैं मेरा वीडियो बनाते 9 मिनट हुआ है। तो 1-2 मिनट आप लोगों से हम बातें की हैं, ठीक है गाइज। और जो भी है आपके सामने आपका भाई एकदम रियल तरीके से बताया है, तो आप समझ सकते हैं मेरा वीडियो आप लोग भी मेरा सेम प्रोसेस सेम स्टेप फॉलो करेंगे तो आप, मैं गारंटी देता हूँ कि आप 5 मिनट में एडिट कर लेंगे अपने फोटो को एकदम क्या एकदम ईजी एंड सीवी और एकदम बवाल तरीके से, ठीक है गाइज। तो जिस किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि भाई आपका रोज़ वीडियो ऐसे ऐसे लेके आता रहता है। तो मिलते हैं अगले कल के नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।